हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। दिवाली आ चुकी है और आप सभी ने ही कई सारे स्नैक्स बना लिए होंगे और सोच रहे होंगे आप मिठाई क्या बनाएं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं ऐसी एक अच्छी मिठाई बताऊंगी जो सभी को पसंद आता है और सभी लोग बार बार इसे खाते भी हैं। हमें लगता नहीं है कि कोई भी इसे पसंद नहीं करता होगा। तो पहले तो हम मावा बना लेंगे। तो आपको स्मूथ मावा कैसे बनाना है, आप कंटिन्यू नहीं चला रहे हैं उसके बाद भी, तो इस वीडियो को देखिएगा। इसमें मैं एक टेक्निक बताऊंगी जिससे कि आपका जो मावा है ना, मार्केट से भी अच्छा स्मूथ बनेगा, वो भी बिना बार बार चलाए हुए। तो मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध को खौला के मतलब उबाल उबाल के इसको सुखा लेंगे, हम इसका मावा बनाएंगे। तो अगर आपको वाइट मावा चाहिए तो आप दूध को हाई फ्लेम पर उबालें, अगर आपको लाल मावा चाहिए तो मीडियम टू लो फ्लेम पे दूध को पकाएं, जिससे कि इसका कलर परफेक्ट है। जितना टाइम के लिए उबलेगा उतना अच्छा इसका कलर आएगा। ये आपको कलर के लिए बता दिया मैंने। तो इसको मैं बार बार नहीं चला पाती हूँ ध्यान, क्योंकि हाथ भी दर्द होते हैं, बच्चे भी है छोटे, तो कंटिन्यू खड़े नहीं रह सकते। तो मावा को देख रहे हो, उसमें छाली पड़ गई थी, मलाई पड़ गई थी। तो इस मावा को आप ठंडा कर लीजिए, उसके बाद आप इसे मिक्सी के जार में पीस लीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो मावा है ना, एकदम स्मूथ बन जाएगा और मावे के अंदर नॉर्मल टाइम पे मलाई रह जाए, कुछ भी रह जाए, तो आप उसको ठंडा करने के बाद मिक्सी में पीस लीजिए। एकदम बहुत ही अच्छा मावा बन के रेडी हो जाता है, सॉफ्ट मक्खन जैसा एकदम। तो मैं आज इस मावे से बना रही हूँ पेड़ा। आप इस मावे का यूज़ गुजिया बनाने में कर सकते हैं या फिर कोई दूसरी मिठाई बनाने में कर सकते हैं। तो इसमें मैंने चीनी डाला है, आप पीसी हुई चीनी का यूज़ कीजिएगा, भूरा का भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको मिला लीजिए। मिठास अपने अकॉर्डिंग रखिए और उसको इस तरीके से पेड़ा का शेप दे दीजिए, और इसे आप फ्रिज में रख के 10-15 दिन आराम से खा सकते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसे खाना, तो आप इसे बनाइए, खाइए। और ये मावा का जो पेड़ा होता है शुद्ध होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।